हम भैया लोत बनवा जब बच्चा हाथ धोली हमका दे दिए वोट तो मले दौली का गुआला नगी हां बच्चा वोट दे दिए हमका हम के दे मोह महतारी मोर मैया मोर मैया अरे गोड़न गिरे के सुभा के कोड़ हमारे यहां के जो विधायक हैं वो अपनी रोटी सेकने वोट की रोटी सेकने के लिए यहाँ जब आए थे हमारे साथ फोटो खिंचवाया बोले जैसे सबसे पहली प्राथमिकता सुखलिया की रहेगी सुखलिया की रोड की और जीतने के बाद वो यहाँ पर लौट के नहीं आए। जीवन बीते जहाँ जहाँ पुरखन का बीत गया आज तक ना कोई रास्ता भी नहीं है कि पैदल ही लेकर जाए कोई तरह से। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ जिस गांव में खड़ा हूँ इस गांव का नाम है सुखलिया। आपको बता दें कि रायबरेली जिले का एक ऐसा गांव एक ऐसे गांव के लोग जो आज तक संपर्क मार्ग से काफी कोसों दूर हैं। मतलब इस गांव से कोई डायरेक्ट संपर्क मार्ग नहीं है। आए दिन सुखलिया बरसात के दिनों में डूब जाती यहाँ की रोडे और सुखलिया गाँव का संपर्क टूट जाता है। ये परिवार ने ही घर में रहने के लिए मजबूर रहते हैं। आपको बता दें कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है पूरे प्रदेश पूरे देश में। और अगर बात कर लीजिए रायबरेली की तो रायबरेली में अभी भी कांग्रेस का राज है। यानी सांसद सोनिया गांधी यहाँ की कि सोनिया गांधी जी के संसदीय क्षेत्र में रहते हैं लेकिन आज तक ना तो सांसद यहाँ दिखाई पड़े ना सांसद का कोई प्रतिनिधि। आपको बता दें कि इन गाँव के वालों की पीड़ा ये है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी आए थे वोट की रोटी सेकने कि आप मुझे वोट दीजिए हम आपका ये संपर्क मार्ग बनवाएंगे पहली प्राथमिकता है। ऐसा इन लोगों का कहना भी है लेकिन आज तक आपको ये ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को ये ग्रामीण क्योंकि ठगे इसलिए महसूस कर रहे हैं कि ये वोट देते हैं लेकिन इनकी सुनी नहीं जाती है। इनको पैदल जाना पड़ता है अपने ही गांव की रोड को बनवाने के लिए इन्हें पैदल जाना पड़ता है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। राम मनोहर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुखलिया। संपर्क मार्ग नहीं बना कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत खराब लग रहा है। जीवन बीते जा चाहे पुरखन का बीत गया आज तक ना कोई रास्ता भी नहीं है कि पैदल ही लेकर जाए कोई तरह से। सोनिया गांधी आपकी सांसद हैं? सांसद हैं वो सिर्फ वोट लिए जनती है और कहा यहाँ ना कुछ नहीं करती हैं ना उनका प्रतिनिधि कोई आए कि कुछ करे कुछ नहीं होता है यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए हाँ भैया हम सब कर देंगे बाद में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। सोनिया जी आएंगे नहीं? सोनिया जी नहीं आई यहाँ तक। नहीं आई? हाँ। सुखलिया पता है कि नहीं उनका? उनका कहाँ पता हुई कहाँ सुखलिया है कहाँ नहीं। हाँ? हाँ। अच्छा आप ये बताइए कि आप पैदल यात्रा करके गए थे? जी जी। तो आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत प्रताप सिंह है। मैं पुरासी ग्राम पंचायत सुखलिया में रहता हूँ। हम लोग पैदल यात्रा पग यात्रा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के कितने दिन में गए और क्या क्या हुआ बताइए? हम लोग वहाँ पहुँचे 2 दिन में। सुबह 4 बजे यहाँ से निकले दूसरे दिन वहाँ 3 बजे पहुँचे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए फिर बाद में हमारी मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जो रास्ते का मैटर है बहुत जल्द सुलझाया जाएगा यही आश्वासन हमको मिला है। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो अपनी रोटी सेकने वोट की रोटी सेकने के लिए यहाँ जब आए थे हमारे साथ फोटो खिंचवाया बोले जैसे सबसे पहली प्राथमिकता सुखलिया की रहेगी सुखलिया की रोड की और जीतने के बाद वो यहाँ पर लौट के नहीं आए हैं और ना कुछ होगा। हमको भी पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला उनके स्तर से बस खाली झूठा आश्वासन। जो भी यहाँ नेता प्रतिनिधि आता है बस झूठा आश्वासन दे के हम लोगों को जाता है कि आपका काम तुरंत करवाया जाएगा। कितने वर्षों से दादा ये तंग झेल रहे हैं आप? अरे कम से कम जब से जो है ये सरकार बनी है जब से झेल रहे हैं। मतलब सरकार की बात क्या? मतलब पूरी सरकार 1947 से। अच्छा 1947 से आप? हाँ इस गांव की वो स्थिति थी कि यहाँ पे बीमार होते थे मर जाते थे दवा कराने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। ठीक इतनी स्थिति खराब है इस गाँव की और हम लोग पैदल आते जाते थे। अरे तो आपके सांसद सोनिया गांधी थी कांग्रेस की सरकार थी रोड तो बननी चाहिए थी लेकिन कोई नहीं सुनता है। खाली बता दिया कि हमारा रायबरेलीगढ़ है हमारा मतलब संसद है आप तक किस गांव में कोई नहीं आया मतलब जो है बनवाने के लिए। हाँ तो हम लोग पैदल जाते हैं बच्चे भी पैदल जाते हैं और मिट्टी में पैर सन जाते हैं स्कूल पे जा नहीं पाते ज्यादा पानी आ जाता है। दिक्कत होती है बीमार जाता है। आपकी आपकी एज क्या है दादा? 60 साल के हो गए? 60 साल पूरे हो गए? हाँ पूरे हैं। 60 साल में रोड नहीं बन पाई? नहीं बन पाई साहब। सोनिया जी सांसद हैं आपके यहाँ की? हाँ है तो ध्यान नहीं कर रहे ना। अच्छा हाँ ध्यान नहीं करते नहीं ध्यान कर जाए तो बन जाए लेकिन दादा 60 साल में नहीं बन पाई तो आप बन पाई सांसद?
कहा बन पाई नहीं बन पाई। अब किसे आशा को बना सकता आपके रोड? अब आशा तो हमारे जो है योगी जी जो है आशा दिखती के साथ बात बन जाए, आशा पूरी दिखाई पड़ती है। अच्छा योगी जी से सहमत है? लठ उठाओ बात कर रहे हैं। लठ उठाई है तो हम कहा अंत है, हम लठ उठाऊंगा नहीं भगावत ले पक्का द्वारे पे जतने औरत है सब लाठी ले ले दौड़ा ले ले आपकी को वार्ड कहां गड़बड़ कर के हां वार्ड ले जाबे। अच्छा जब अम्मा वोट मांगे आवत है तो तब का कहत है? तब कहिए हम भैया लोत बनवा देबे बच्चा हाथ डोली हमका दे दिए वोट तो मले दौल के ग्वाला ने गिरी है बच्चा वोट दे दिए हमका। अब के दई मो महतारी मोर मैया मोर मैया अरे ग्वाला गिरे के फिर हार हार हारे जा वही के बाद में को ना है जा भागो। अब रोड खातिन कोई नहीं आवा कौन है यार रोड खातिन का कोई है मरौ बादा। मेरा नाम आशा है। किस क्लास में पढ़ती है? इंटर क्लास है। तो बेटा आपके गांव की रोड ये गड़बड़ है तो कैसे आप जाती हैं? जाते हैं कैसे? जैसे भी जा पाते हैं जाते हैं। हम तो पढ़ते ही हमारे यहाँ बहुत से छोटे बच्चे उनके भविष्य का सवाल है। उसके बाद जाते हैं यहाँ तो समझो ये 400 मीटर या 600 मीटर खरिंजा लग गए, उसके आगे 1 किलोमीटर कच्ची सड़क है। बच्चे जाते वक्त गिर जाते हैं, उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, बैग भी खराब हो जाता है तो वापस लौट के आते हैं। बहुत से बच्चे छोटे छोटे जो नहीं संभाल पाते हैं तो गिर जाते हैं। तो अब ये बताओ बेटा तुम्हारे यहाँ की सांसद सोनिया गांधी हैं, विधायक भी आपके यहाँ श्याम सुंदर भारती हैं, और तो आप किससे उम्मीद लगाए बैठी कि आखिर रोड बनेगी? हमें तो उम्मीद अब किस पे लगाएं, अब तो भाजपा सरकार है वही जो करेगी करेगी, अब उसी की आशा है। उसके बाद जो भी हुए हैं कांग्रेस पार्टी के हुए विधायक मंत्री सरकार जो भी हो उसने तो अभी तक बनवाया ही नहीं सड़क है। जो हमारे गांव की प्रॉब्लम है हमारी नहीं हमारे गांव की पूरी प्रॉब्लम है। बच्चे बाढ़ आ जाते हैं दो महीने के लिए घर में बैठना पड़ता है। हमारा छोटा फर्स्ट ईयर क्लास का है और नागरिक शास्त्र था, हमने नहीं दिया एग्जाम। सुबह सुबह ही बारिश होने लगी थी, इतनी ज्यादा हुई थी कि सड़क पर जाने लगनी थी और 8:30 बजे तक बारिश हुई। मान लो पक्की सड़क हो तो हम छाता लेकर कैसे भी चले जाते स्कूल। हमारी फर्स्ट ईयर क्लास का एक पेपर छूटा है इसी बारिश की वजह से। सड़क हमारे एक होती तो हम बारिश में भी भीगते हुए चले जाते, छाता लेकर पैदल ही जाते ना जाते साइकिल से। रामपति कितनी उम्र है आपकी? जौन हुए बहनों 40 साल है। 40 साल हुई जरूर। तो अम्मा आप यह बताओ आप जातू है जब रोड से गुजर के तो रोड जावा जा जब जावा जा था नरक हो जाता को अधिकारी आवा तो रोड का उल्टा गारू दिया था मरे को घेरे थे। अच्छा ये हो चुका है? राम नरेश ना राम बताए गली गली आ खा रहे कहे तुम कल लतिया दिया यो कह दिया वो कह दिया अब वाटिंग दे रही फिर हार हार हेरी ही जाए। आप जो मौजूदा विधायक हुई आएंगे नहीं एक बार? वो नहीं आए हैं। उनके नाम जंतु का है? नाम नहीं पता। मौजूदा विधायक आपका कौन है नाम पता? श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर है। चलिए अम्मा आपके मौजूदा विधायक कौन है? श्याम सुंदर है। आए एक बार? नहीं नहीं पहचान तो है नहीं नहीं तो नहीं देखे हम तो जाने थे। आए कुछ जंतु हमारे लड़के नहीं पूरा आशी वाले। अच्छा वोट मांगा है? वोट मांगे नहीं हमें मुँह बनाए खड़े रहे वोट नहीं दे रामबरन का लड़के गाये। अच्छा तो अम्मा आप बताओ आखिरी उम्मीद का कोई से आपको बनवा सका तुम्हारा रोड? अरे हमारा रोड बनवा सका तो वही जहाँ परिक्रमा गए हैं वही नहन का। नाम बताओ को? योगी। योगी जी किससे उम्मीद है आपकी? योगी जी से। योगी से कौन रोड बना सकता है? अरे योगी जी बनो ये जहाँ गए परिक्रमा भाई सब कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं श्याम सुंदर भारतीय बछरावा से और सांसद सोनिया गांधी, लेकिन ये लोग परिक्रमा कर गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। गांव के दो लोग पद यात्रा कर 2 दिन की सफर तय कर कष्ट झेलते हुए पहुंचे कि रोड बन जाए रोड में, क्योंकि ये थक गए। दादा कहना है कि 1947 से आज तक रोड नहीं बन पाई, 60 साल उम्र हो गई, 60 साल मुंह कहते कहते खिया गया लेकिन रोड नहीं बन पाई। लेकिन इनका कहना है कि हम जब गए तो योगी जी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके यहाँ की रोड बनेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में आप जा नहीं सकते हैं। सुखलिया गांव का अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे रायबरेली का सुखलिया तो आपको सिर्फ मुसीबत से घिरी हुई समस्याओं से जुड़ी खबरें आपको मिलेंगी, ये है। लेकिन अब इन लोगों ने उम्मीद लगाई है सिर्फ योगी आदित्यनाथ से। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार योगी आदित्यनाथ कितनी जल्दी इस मामले को पूरा संज्ञान लेते हो, यहाँ के संपर्क मार्ग को बनवाने का आदेश देते हो, संपर्क मार्ग कब तक बनता, क्योंकि गांव के साथ साथ जो कि स्कूली बच्चे हैं उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।